सो हेलो गाइस, दिस इज़ नवदीप सिंह फ्रॉम दी वाइब आइल्स। सो आज की वीडियो में आप करेंगे रीडिंग के फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ही अमेजिंग सी स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको। बहुत से बच्चे कहते हैं सर फर्स्ट और सेकंड पैसेज के तो फिलअप्स हो जाते हैं, लेकिन थर्ड पैसेज के फिलअप्स हमें मुश्किल लगते हैं। उस टाइम टाइम भी कम होता है, बच्चे थोड़ा सा टेंस्ड हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में कैसे सॉल्व आउट करने हैं, कैसे फाइंड आउट करने हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, तो इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूँ विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। ठीक है, तुक्के वगैरह वाली बात नहीं है, विद एक्यूरेसी बताएंगे। ठीक है, अब आपके सामने ये है थर्ड सेक्शन, और थर्ड सेक्शन में अपने पास जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो है 27 to 31। ओके, ये देखो 27, 28, 29, ये देखिए 30, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक्स वो थोड़ा भूल चुके हैं आई थिंक, लेकिन यहाँ पे भी फिलअप है। यह 31। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को देखना है। नो मोर देन टू वर्ड्स, मतलब आपको दो वर्ड से ज़्यादा बच्चे नहीं लिखना, आपको दो वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, एक लिख सकती हो, दो लिख सकती हो, दो से ज़्यादा नहीं लिखना, ना ही कोई नंबर लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं भी क्या है। ये है आपका, ए गवर्नमेंट कैन अंडरगो ऑस्ट्रिटी मेजर्स बाय कटिंग स्पेंडिंग्स एंड और रेजिंग टैक्स। तो यहाँ पे देखो, कोई यहाँ पे है गवर्नमेंट कह रहा है ऑस्ट्रिटी में तब जाएगी, कैन अंडरगो ऑस्ट्रिटी मेजर्स। ये ऑस्ट्रिटी मेजर्स क्या होते हैं ये अपने को पैसेज में पता चलेगा। ठीक है, कैसे जाती है, एक तो है वो कह रहा है दो दो तरीके से जाती है गवर्नमेंट ऑस्ट्रिटी मेजर्स में। एक तो है कटिंग द स्पेंडिंग, मतलब कटिंग का मतलब क्या होता है, स्पेंडिंग्स को कम करना, मतलब खर्चे को कम कर दो। दूसरा एंड रेजिंग द डैश, रेजिंग का क्या मतलब है, बढ़ाना, तो रेजिंग द डैश। अब यहाँ पे आपके ब्लैंक के आगे है रेजिंग, तो मैं आपको यहाँ पे 100% गारंटी देता हूँ कि जहाँ भी आपका आंसर आएगा वहाँ पर आपका रेजिंग से रिलेटेड सिनोनिम मिलेगा। रेजिंग मतलब बढ़ाना, ग्रोइंग, इंक्रीजिंग, ऐसा कोई ना कोई वर्ड मिलेगा। और एक चीज है यहाँ पे, ing है तो वो भी ing की फॉर्म में ही होगा, वो भी ing की फॉर्म में ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, ये आपके थर्ड पैसेज के स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो आपको आपका पैसेज बिल्कुल स्टार्टिंग से ही देखना है। फिर देखेंगे भी ऑस्ट्रिटी की बात कहाँ पे हुई है, और फिर सबसे पहले ढूंढेंगे भी कटिंग द स्पेंडिंग, मतलब स्पेंडिंग का मतलब होते खर्चे, खर्चे कम करना है, और दूसरा इनक्रीज क्या करना है, रेज क्या करना है। चलिए चलते हैं आपके फर्स्ट, आपके थर्ड पैसेज की स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर आपके पास जो पैसेज है उसका नाम ही ऑस्टरिटी मेजर्स है। तो यहाँ पे कह रहे हैं भी ऑस्टरिटी मेजर्स आर द एक्शंस डैट स्टेट अंडरटेकन इन ऑर्डर टू पे बैक इट्स क्रेडिटर्स। तो ये कोई मेजर है, या मतलब ये कोई एक्शन है जो स्टेट लेती है, अपने को इससे लेना देना ही नहीं है यार, क्या है क्या नहीं है इतना डीप में मत जाना। ठीक है, अपने को इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आपको जाना है आपकी आपकी लोकेशन पे, लोकेशन है कटिंग द स्पेंडिंग। ठीक है, दोज मेजर्स, यहाँ से शुरू हो गया है मेजर्स की बात, टिपिकली इन्वॉल्व्स स्लैशिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। वहां पे था स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का होता है खर्चे, एक्सपेंडिचर क्या होता है खर्चे, और वहां पे था कटिंग मतलब ing था, यहाँ पे स्लैशिंग मतलब ing। तो मुझे लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, कट स्पेंडिंग की जगह पे मुझे एक्सपेंडिचर मिल चुका है, मतलब वहाँ पे अब मेरे पास आ गया एंड, वहाँ पे भी एंड था, और यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड है हाइकिंग। हाइकिंग क्या, टैक्सेस, हाइक करने जा रहा हूँ मैं, माउंटेन हाइक करने जा रहा हूँ, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ जाना मतलब बढ़ना। तो हाइकिंग किसका सिनोनिम है, हाइकिंग आपका सिनोनिम है जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट चीज लिखी थी रेजिंग, तो रेजिंग थी यहाँ पे, और वहां पर आपको मिला हाइकिंग, तो आपका आंसर क्या आया, हाइकिंग क्या, टैक्सेस। तो दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर, मतलब टैक्सेस, टैक्सेस। ओके, तो ये इस हिसाब से आपका आंसर नंबर फर्स्ट आ चुका है। ठीक है, ये है आपका आंसर नंबर फर्स्ट, दैट्स इट। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेकंड फिलअप। देखो कितना इजी है, आपको फिलअप से आगे या फिलअप से पीछे ऐसी चीज देखनी है जो भी वर्ड है उसी का सिनोनिम उसी फॉर्म में चीज आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको टैक्सेस मिला। ठीक है,
टैक्सेस मिला। अब उसके बाद कह रहा है इफ बैंक्स डू नॉट बिलीव दैट गवर्नमेंट विल सेटल देयर डेब्ट्स, कह रहे हैं भी अगर बैंक्स को ये विश्वास नहीं हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो अपने डेब्ट्स, मतलब डेब्ट्स क्या होते हैं लाइक जो वापस पेमेंट या निकलाने जो भी खर्चे वगैरह हैं जो भी आप लगा सकते हैं उसको सेटल नहीं कर पाएगी, दे मे आस्क फॉर डैश डेट आर टू हाई टू पे बैक। देखो एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो विजुअलाइजेशन आपकी इमेजिनेशन बहुत काम आती है, यहाँ पे बैंक्स की बात हो रही है ठीक है, जैसे ही मैंने देखा बैंक की बात हो रही है, स्पेंडिंग की बात हो रही है, टैक्सेस की बात हो रही है, जैसे ही मैंने देखा इफ़ मे आस्क फॉर दे मे आस्क फॉर, वो किसके लिए बोलेंगे डेट आर टू हाई टू पे, मतलब बैंक की बात हो रही है तो मतलब इंटरेस्ट की तो बात होगी ना, तो मेरे माइंड में सीधा सीधा ये चीज़ मैंने जब पढ़ा भी नहीं था ना तब भी मेरे माइंड में यही आया कि यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह हो सकता भी वो बहुत हाई होगा, मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत हाई होगा। चलो इसका अपन देख भी लेते हैं, मतलब एक ऐसी चीज़ डैट इज़ टू हाई टू पे, ऐसी चीज़ अपने को देखनी है ओके, और बैंक पूछेगा उसके बारे में ओके ठीक है। अपन दोबारा वहीं पर चलते हैं जैसे जहाँ पर पहले छोड़ा था ओके। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इम्पोज ऑन द कंट्री when the national deficit is believed to have and become unsustainable, यहाँ पे अभी आपकी location नहीं आई, in this situation, इस situation में bank may lose the trust in government's ability, वहाँ पे था कि अगर government को believe नहीं हुआ तो वही बात आ गया ना, believe नहीं हुआ मतलब lose the trust, अब आप अपनी exact location पे पहुँच चुके हो ठीक है, lose the ट्रस्ट और वहाँ पे था, अगर उनको विश्वास नहीं हुआ अब उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कुछ पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट की एबिलिटी पे उनको ट्रस्ट नहीं हुआ, देन विलिंगनेस टू रीपे एग्जिस्टिंग डेब्ट्स एंड इन रिटर्न कैन रिफ्यूज टू रोल ओवर द करंट रोल्स एंड डिमांड क्रिपलिंगली एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट्स ऑन न्यू लैंडिंग, भी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट का क्या मतलब होता है आपका एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट का कहाँ यहाँ पे मतलब क्या होता है एक्सेसिव, तो आप अगर नीचे आओ आपके फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे थे टू हाई टू पे बैक, टू हाई और एक्सेसिव आपके सेम कीवर्ड्स हैं, अब क्या चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आ रही है आपके, आ रहे हैं इंटरेस्ट, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, आपका आंसर आ गया इंटरेस्ट। तो ऐसे आपने आगे और पीछे जो भी चीज़ है ना उसको लॉजिकली लेकर चलना है, बड़ा इजी आंसर मिलेगा। नेक्स्ट इज दैट, नेक्स्ट इज इन दिस केसेस आईएमएफ इज सम टाइम प्रिपेयर टू लेंड द मनी टू दीज गवर्नमेंट ओके, सो वन ऑफ द कंडीशन ऑफ आईएमएफ लोन्स इज दैट recipient countries undergo austerity measures to reduce their debt and repair any debt, वो कह रहे हैं भी एक कंडीशन में, वन ऑफ द कंडीशन, एक कंडीशन ये है ऑफ IMF loans, उनकी एक कंडीशन ये है that recipient countries undergo austerity measures, भी जो कंट्री recipients मतलब जिसने लोन लिया है वो austerity measures में जा सकती है, किस लिए टू रिड्यूस देयर डैश एंड रिपेयर देयर डैश, मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मतलब रिड्यूस देयर, अब रिड्यूस का क्या मतलब होता है कम करना, अब आपको वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जिसका डायरेक्ट रिलेशन रिड्यूस से हो, रिड्यूस मतलब कम करना, डिक्रीज हो सकता है, कट डाउन हो सकता है, जैसे कटिंग लिखा था तो ऐसा कोई वर्ड अपने को मिलेगा, लेट्स सी, और आपको जहाँ पे IMF लोन्स भी आपकी लोकेशन ढूंढने में मदद करेगा ओके। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, सो IMF की बात यहाँ से हो चुकी है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डैट फंक्शन लैंडर द लास्ट रिसोर्ट, अभी तक नहीं है, द IMF टिपिकली डिमांड ऑस्ट्रिटी मेजर ठीक है, दैट इनडेबिटेड कंट्री इज एबल टू कर्टेल इट्स बजट्स डिफिक्ट्स एंड फुलफिल देयर लोन ऑब्लिगेशंस, फुलफिल देयर लोन ऑब्लिगेशंस, यहाँ पर ये जो वर्ड है कर्टेल, इसका मतलब बच्चे होता है कम करना, इसका मतलब होता है कम करना, तो इस चीज़ की आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पे रिड्यूस है कि उनको जो अपने क्या चीज़ रिड्यूस करने पड़ेंगे, बजट्स,
उनको बजट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ चुका है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे है ना इट्स, इट्स वर्ड है, वहां पे था देयर, देयर ये है टू रिड्यूस देयर। ओके, रिड्यूस की जगह पे तो आ गया आपका कर्टेल, ठीक है। या देखो टू भी यहाँ पे है, कर्टेल का आ गया रिड्यूस, और इट्स की जगह पे आ गया, देयर की जगह पे आ गया इट्स। तो बात तो सेम ही है, मतलब आपको तीनों वर्ड ऐसे मिल चुके हैं यहाँ पे जो सेम एंड सेम आपके फिल इन द ब्लैंक्स की जो है उनसे मैच करते हैं जो उसके आगे लिखा है। तो आपका आंसर 100% बजट ही आएगा, इससे ये प्रूव होता है, ठीक है। टू भी है, कर्टल भी है, इट्स की जगह पे देयर है, कर्टल की जगह पे रिड्यूस है, डेट्स इट, वेरी सिंपल। तो ऐसे आप जाओगे। अब बात करते हैं आपके 30th क्वेश्चन की। ओके, तो आपका 29th आ गया बजट। तो उसके बाद है क्राइसिस वॉज कॉज्ड व्हेन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पुल्ड देयर मनी आउट ऑफ द रीजन एट वंस। कह रहा है भी क्राइसिस तब आ सकती थी जब इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी मनी बाहर निकाल लें ऑफ द रीजन एट वंस, एक ही बार में मनी बाहर निकाल लें, एंड कोजिंग डैश टू द फॉयल एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू राइज, ठीक है, और कोजिंग डैश टू द फॉयल। ओके, एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, और क्या चीज वो कोज करेंगे, कोजिंग डैश टू द फॉयल। अब इन्वेस्टर्स की बात देखते हैं कहाँ पे हुई है, वहीं के आसपास ही आपका आंसर आएगा। वे ओ होस्टिटी मेजर्स कट्स एंड फ्रीज द पेंशंस वेलफेयर पब्लिक हाइक द टैक्सेस क्रीक अटेम्प्ट्स टू द बजट शॉर्टफॉल। ओके, उसके बाद है इन द पीरियड ऑफ अलाउंस विल एलिवेटेड 23% तंबाकू सिचुएशन रिटायरमेंट वुमन इज रॉयस्ट, डेट्स इट डेट्स इट। यार अभी तक इन्वेस्टर्स की बात सारे बी पैसेज में नहीं हुई। देन IMF इम्पोज ऑस्ट्रिटी मेजर्स हैव बीन इंडिकेटेड इंक्रीजिंग द डी फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली 19। हाँ, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्दियर कंट्रीज सच एज जापान एंड US स्टार्टेड पोरिंग इन टू द साउथ एशिया। ओके, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की बात हुई, अभी तक ये बात नहीं हुई वो पैसा जब निकालते हैं देन क्या होता है। ओके, लुकिंग टू मेक सम क्विक रिटर्न एंड सोरिंग द इकोनमीज ऑफ थाईलैंड। ओके, उसके बाद क्या है, अभी तक पैसा निकालने की बात नहीं हुई, इन्वेस्ट की बात हुई है। थाईलैंड फिलीपीन मलेशियंस एंड अदर देमसेल्फ आर द एशियन टाइगर्स व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू टर्न सोर। ओके, टर्न सोर का मतलब है जब मतलब कुछ खराब होने लगे, ठीक है। टर्न सोर मतलब कुछ, सोर का वैसे तो मतलब होता है खट्टा, मतलब जैसे नहीं होते मामला गड़बड़ होने लगे तब क्या होता है। हाउ एवर फॉरन इन्वेस्टर पैनिक्ड, फॉरन इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, पैनिक हो सकते हैं, डर जाते हैं। देन एंड रिट्रेस देयर इन्वेस्टमेंट, वहां पे था दे रिड्यूस, सॉरी पुल आउट देयर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे रिट्रेस देयर इन्वेस्टमेंट मतलब अपना लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ओके, तो इन मासेस डेसीमेटिंग एशियन करेंसीज, डेसीमेटिंग। अब मैंने आपको आगे भी एक चीज यहाँ पे बोली थी, आपका जो फिलअप होता है उससे आगे एक वर्ड होता है उसका ध्यान आपने ऐसे रखना है। लोकेशन पे मैंने आपको पहुँचा दिया, ठीक है, पुल्ड आउट था वहाँ पे, रिट्रेस था। अब यहाँ पे फिलअप के आगे एक ऐसा वर्ड है जिसमें ING लगा है, मैंने आपको पहले भी कहा था वहाँ पर भी ऐसा वर्ड मिलेगा। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं मिल रहा ना सिनोनिम, तो ऐसा वर्ड है आप अंदाजा लगा सकते हो जिसके साथ ING होगा। लोकेशन के पास ING वर्ड वाला मेरे पास एक यही है, मतलब इसके बाद वाला मेरा आंसर आएगा। तो आपका आंसर यही है बच्चे, 100%। डेसीमेटिंग का मतलब कॉजिंग होता है, और एशियन करेंसीज है। और इस चीज को मैं कैसे प्रूव करता हूं, देखो इसके बाद है एंड टर्निंग मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज आउट ऑफ वर्क, मतलब बहुत से लोगों की नौकरी जाएगी। और यहां पे देखो, यहां पे था एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू द राइज, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होएगी, वही सेम चीज। तो ये चीजें आपके आंसर को और क्लियरली करेंगी। उसके बाद है लास्ट एंड फाइनल, द IMF ऑस्ट्रिटी मेजर्स सेट कंडीशंस डैट लोअर द इनकम। एक तो इनकम को लोअर करेंगे, एंड डैश मतलब दो चीज़ों को लोअर होगी, ठीक है। अब दो चीज़ें लोअर होगी, एक तो इनकम और दूसरा डैश, मतलब एक ही जगह पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी। अगर यहाँ पे भी यही लिखा है ना लोअर द इनकम एंड डैश, दो चीज़ें, एक तो इनकम और दूसरी क्या लोअर होगी, लेट सी। मेजर सेट ए कंडीशन, लोअर की जगह पे आपको भी पता है अभी एग्जैक्टली लोअर नहीं लिखेंगे वो,
कोई ना कोई वर्ड ऐसा यूज करेंगे, एक तो इनकम और दूसरी यो, मतलब आपको जहां पे भी इनकम दिखेगा ना, इनकम का घटना, उसके पास ही आपका आंसर आएगा। लेट्स सी, ऑस्ट्रिटी मेजर्स डेट ड्राइविंग ड्राइविंग डाउन। ये देखिए यहाँ पे IMF वाली बात यहाँ पे हुई, यहाँ पे मेजर्स आए, इंटरेस्ट हाई हुए वाइल ड्राइविंग डाउन द वेजेस। वेजेस क्या होती है बच्चे? इनकम होती है। वेजेस क्या होती है? इनकम होती है। ड्राइविंग डाउन का यहाँ पे मतलब है कम होना, डाउन कम होना। एक तो वेजेस कम होगी और दूसरा क्या होगा? लेबर स्टैंडर्ड्स, लेबर स्टैंडर्ड्स डाउन होंगे, तो आपका आंसर आ गया लेबर स्टैंडर्ड्स। तो ऐसे आपको आगे और पीछे वर्ड्स का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे से आप अपने जो है फिल इन द ब्लैंक्स को कर सकते हो। आपको एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहता हूँ बच्चे, कि मेरी जो है राइटिंग की क्लासेस रनिंग में है। राइटिंग में मैं 15 डेज में आपको प्रॉपर टास्क 1 और टास्क 2 के कंप्लीट चीज़ें बता सकता हूँ। जो क्लासेस में आपको प्रॉपर टास्क 1 और टास्क 2 की नॉलेज देता हूँ बच्चों को, और मैं इतनी गारंटी लेता हूँ जिस बच्चे ने भी मेरी क्लास ज्वाइन कर ली ना, वो बच्चा इंस्टीट्यूट उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ज्वाइन करने की। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ, कि 15 डेज़ के बैच में मैं ऑल टाइप के टास्क 1 और टास्क 2 को कवर करूँगा। 9 बैंड के सैम्पल्स दूंगा जो IDP टीचर्स द्वारा लिखा होगा, वोकेबलरी नोट्स दूंगा, हर दिन रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। क्लास की फीस रहेगी 1500, टाइम रहेगा 7 to 7:45। और ये मेरा जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, अराउंड 3 लेक्चर्स इसके हो चुके हैं। अब भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं तो कर सकें, क्योंकि लास्ट जो 3-4 लेक्चर गए हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। इसके अलावा जिस बच्चे को टाइमिंग का इशू है या जिस बच्चे का एग्ज़ाम नियर है, तो उसके लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी ये है। अभी मैंने अपना IELTS का राइटिंग का कोर्स तैयार किया है, जिसमें आपको ऑल टाइप के टास्क 1 और टास्क 2 की वीडियोज़ मिलेंगी, और इतनी डिटेल में वीडियोज़ हैं, मतलब क्लासेस में भी उतनी डिटेल से करवाता हूँ, कोर्स में जो वीडियोस हैं वो भी इतनी डिटेल में। स्पेशल वीडियोस हैं ये नहीं, अभी जो मैंने यूट्यूब पे डाली वो नहीं, स्पेशल वीडियोस हैं जस्ट फॉर द कोर्स। और आपको PDF मिलेंगे 9 बैंड के सैंपल्स के, जो IDP सर्टिफाइड टीचर्स के द्वारा बनाए गए हैं। PDFs के नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको एक इसमें बोनस ये मिलेगा कि आपको एग्जाम लेवल के रीडिंग और लिसनिंग के असाइनमेंट मिल सकते हैं, ठीक है। और आपको एक बैरून बुक भी मिलेगी, जिसकी अमेजिंग वैल्यू रहती है IELTS में। अब किसी को कोर्स लेना है या क्लास ज्वाइन करनी है, तो ये मेरा नंबर है 8168321916। इस पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज। अगर कोर्स चाहिए तो कोर्स, अगर क्लास चाहिए तो क्लास। डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो के लिए इंतजार करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।